नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मध्य प्रदेश बालाघाट लांजी क्षेत्र के अंतर्गत वनांचल ग्राम पंचायत देवर बेली के ग्राम शायर संदूक टेमी बोदरा में वर्ष 2013-14 में ग्रामों में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के नाम से ग्राम देवर बेली से बिजली खंभे एवं केबल से विद्युतीकरण किया गया था, लेकिन आज वर्तमान समय में इन गांवों में बिजली कई दिनों तक बंद रहती है, जो विद्युत केबल जमीन पर जीर्ण शीर्ण अवस्था में गिरा। जबकि विद्युतीकरण हेतु शासन करोड़ों रुपए खर्च किया गया। इन गांवों में 6 माह से वनांचल गांवों में बैगा जनजाति के लोग निवास करते हैं, जबकि शासन बैगा जनजाति के नाम पर लाखों रुपए खर्च करती है और इन गांवों में विद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी कागजों पर रह गया है। जबकि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विकास की बात करते हैं, आज़ादी के 70 साल बाद भी इन गांवों में विकास कोस दूर है। यहां के जीवन यापन करने वाले लोगों को अपनी आजीविका चलाने दो वक्त की रोटी के लिए मोहताज है। यहां पर रोजगार का कोई साधन नहीं होने के चलते भूख से परेशानी का सामना करना पड़ता है, जबकि शासन प्रशासन के उच्चाधिकारी का दौरा करने पर भी यहाँ की स्थिति कब सुधरेगी एवं बैगा जनजातियों का जीवन स्तर कब सुधरेगा इस और शासन प्रशासन इन बैगा जनजातियों का सुध लेगा। क्या नाम है आपका? मंडराखन ध्रुवे। मंडराखन ध्रुवे, ये जो अपना सौर्य ऊर्जा वाला जो है ये कब से बंद है? ये तो जब से लगाया उसी दिन से बंद है। अभी यहाँ पानी निकल रहा है कि नहीं? नहीं नहीं निकल रहा है। पानी कहाँ से पी रहे हो आप लोग? नाल से पी रहा है। नाले का पानी पी रहे हो? नहीं, वो टंकी है ना, वहाँ से पी रहे हैं। और ये जो बिजली कब से नहीं है आपके गांव में? आपके गांव में तो साल भर हो गया बिजली नहीं है। नहीं, तो बिजली के जो अधिकारी हैं ये लोग आते हैं कि नहीं यहाँ पर देखने के लिए इसको? अब पता नहीं जी, आते हैं को नहीं तो आप तो नहीं देखा था। ग्राम पंचायत देवर बेली के अंतर्गत ग्राम बोदरा में जो विगत 6 माह से बिजली बंद है और ये बिजली राजीव गांधी विद्युतीकरण में किया गया है, लेकिन 6 महीने से विगत बंद है, इस पर आपका क्या कहना है? बोदरा में क्या है कि पोल वोल टूट गए बहुत सारे, केबल वेबल टूट गई है, वहाँ पर केबल वेबल नहीं है और उसमें डैमेज बहुत ही ज़्यादा हुआ है, और उसके कारण वो लाइट वहाँ पे बंद है, अभी चालू नहीं है। उसको चालू करने के लिए पूरे पोल, नए पोल लगेंगे, वहाँ पे नई केबल लगेगी, सब काम होने के बाद ही चालू पाएगा। इसके लिए अभी तक क्या आपके आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गई है? इसके लिए हमने ऊपर बता दिया है साहब लोगों को, वहाँ से जैसे ही आता है जो भी, उसके लिए ये भी कार्रवाई हुई है कि वहाँ पे सोलर जो सौर ऊर्जा से जो उपकरण है वो लगाने का प्रोविजन आया है अभी कलेक्टर साहब के वहाँ से, उसका भी सर्वे चल रहा है वहाँ पे, वो सब सर्वे होने के बाद सोलर सौर ऊर्जा से वहाँ पे लाइट आ पाएगी। वनांचल ग्राम में जो सर जैसे सायर है, संदूका है और टेमनी है और जो सत्यझड़ी, जो बहुत सारे जो ग्राम हैं वो ग्राम वनांचल में आते हैं, लेकिन वहाँ पर इस जो बिजली की समस्या काफ़ी है सर वहाँ पर, इसीलिए आपके विभाग से क्या प्रयास किए जा रहे हैं इस पर? वहाँ पे क्या जो जंगल से होके लाइन गई है तो उसमें क्या होता है कि पूरे पेड़ पौधे से लाइन गुजरी है, और बारिश होती है, आंधी तूफान आता है तो पेड़ गिर जाते हैं, पूरे पोल टूट जाते हैं, केबल फॉल्ट हो जाती है, इस कारण बार बार लाइन बंद होने और यहाँ से लांजी से सप्लाई जाती है बहुत लंबा भी पड़ता है, तो इसके कारण लाइट बंद चालू होती रहती है। उसको वैसे तो लगातार हम जैसे ही बंद होती है सुधार कार्य करके चालू कर देते हैं, और अब उसके लिए एक नया प्रपोजल बना है सौर ऊर्जा से, तो अपने जो 1 ग्राम है वहाँ पे सौर ऊर्जा से लाइट पहुँचाई जाएगी, जिससे उनको लाइट मतलब हमेशा मिलेगी, निरंतर लाइट मिलती रहेगी। सौर ऊर्जा की जो कार्रवाई की गई है तो ये कब तक लग जाएंगे, क्या उम्मीद है? सौर ऊर्जा का कार्रवाई जनपद पंचायत के द्वारा की जा रही है और वहीं से सर्वे हो रहा है, तो वहाँ की प्रोग्रेस तो फिर वहीं से मिल पाएगी। यदि खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। किसी भी प्रकार की खबर, भ्रष्टाचार घटना की जानकारी देनी हो तो नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क करें।